नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ भजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है हॉस्टल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हॉस्टल स्टैंड अप कॉमेडी एफटी अनुभव सिंह बस्सी। इसके हमने पहले देखी थी ना एक आपके पेट रूममेट आपके पेट में दर्द हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता था मेरी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि मैं सब बच्चों के ऊपर सुतर के चला जाऊंगा। सारी कंपनी बोल रही है हमारा एक बार जॉब कर लो। टीवी की कॉमेडी करता है 5 मिनट के लिए कर लो। हमारी प्रोफाइल इंप्रूव कर दो प्लीज। मैंने सारे एग्जाम दिए जितने होते थे। एमबीबीएस का फॉर्म भर दिया, बाकी थी भी नहीं मेरे पास। तो देख लेते क्या पता हो जाए इसमें। आईआईटी ACCC सारे एग्जाम दिए मैंने। ACCC मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि नहीं थे, या मैंने इंटरनेट कैफे पर रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। मेरी इतनी बड़ी रैंक है। घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसके। यार मेरी रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार। ये कोई बात है करने की? इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह? बहुत ज्यादा। सुबह से जितने बच्चे आए आपके मिला के आइए पता। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, मुझे कोर्स मिल गया केमिस्ट्री ऑनर्स। वो लगी जहर। हाँ उस टाइम मैं ठीक से फेंक नहीं बना पाता था, तो मैं सॉल्यूशन तो क्या ही मिला लेता आपस में। मैं जो भी चीज़ मिलाता था उसमें से धुआं निकल जाता था। मैंने सूंघ के देखा, नशे भी नहीं हो रहे, मैंने घटा। लॉ स्कूल पढ़ा था 5 साल का, इतना बढ़िया हॉलीडे पैकेज था। हम हॉस्टल पहुंचे थे ना, कितने लोग हॉस्टल में रहेंगे? बॉयज हॉस्टल में कितने लोग रहे? ठीक है, जो लोग नहीं रहे हैं तुम्हें रहना चाहिए एक बार। तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता है। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। हॉस्टल गए, हॉस्टल में रहना शुरू किया। हमारे हॉस्टल में एक बात फैली हुई थी कि इस हॉस्टल में एक अंकल जॉन नाम का भूत रहता। जो प्यासा है किस चीज का ये नहीं बता। हम सेकंड ईयर जो है वो हमारी रैंकिंग लगता था। उनका एक ग्रुप था त्यागियों का। मतलब एक लड़का था त्यागी जिसका वो ग्रुप था। यार एक तो सीनियर हमारी रैगिंग ले रहे थे, रैगिंग ले पा रहे थे। हाँ मेरे रूम में आके त्यागी आया, ओल्ड मॉम का अद्धा रखा, कहता है इसको एक बार में खत्म करना। मैंने ये रैगिंग है, इसको पार्टी नहीं कहते? मैं कहा तुम रोज आया करो मुझे रैगिंग लेने। फिर हमारे थोड़े दिन में ऐसा होता रहा कि क्लैश हो रहा है आपस में, तो हमें लगा कि यार हमें भी अपना हॉस्टल में नाम करना है। अब्दुल आया, अब्दुल याद है ना मीटिंग? उसके अलग ही फैन चल रहे हैं। वो आया एक दिन मेरे रूम में आके मुझसे बोला कि बस सुन हमें ना हॉस्टल में नाम करना अपना। मैंने कहा ठीक है करते हैं, थोड़ी देर रुकता कुछ प्लान है? कह रहा कोई प्लान नहीं अभी करना, चलो ठीक चलो। रात को 1:30 बजे हम निकले नाम करने। पूरे हॉस्टल का एक चक्कर लगा, समझ नहीं आया वापस आ गया। उन्हें क्या करें, दीवारों पर नाम लिखते करना क्या है। फिर हमें लगा कि यार पानी पी लेते हैं, वाटर कूलर लाओ। उन्होंने कहा अगर हमें अभी ऊपर वाले फ्लोर पर जाएं और जाके उनके वाटर कूलर से पानी पी तो कितना नाम हो जाएगा। कि दो लड़कों की हिम्मत देखो, रात को ऊपर आए और सारा पानी पी गए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, हमें तो हाथ मिलाए गले मिले एक दूसरे से। क्या बढ़िया आइडिया आया भाई। हम ऊपर गए,
जाके वाटर कूलर के सामने खड़े, वाटर कूलर के पीछे से आवाज आई, इसमें कभी पानी नहीं आता। हमने साइड से देखा तो त्याग ही निकल रहा है। हमने क्या देखा, हमने से देखा बहुत शराब की रखी है, धीरे धीरे खुल गई उसकी। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम कहाँ हैं यहाँ? तो 15 सेकंड तक कुछ नहीं बोला। हम दोनों यहाँ से चले गए। थोड़ी देर हमने वेट किया, ये चला गया, हम वापस आए, हमने वाटर कूलर चला के देखा, उसमें पानी नहीं आ रहा। हमने कहा क्या, कैसे नाम कैसे करे हम? फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें लगा अगर हम ये वाटर कूलर उठा के अपने रूम में ले चले तो बहुत नाम हो जाएगा। तो हम दोनों ने वाटर कूलर उठाया, तब ऊंचा था वो बहुत भारी, और दुल के तो प्राणी निकल गए उठाने। मैंने तो एक हाथ से उठा लिया, आई एम स्ट्रांग, बहुत भारी था, मुझसे हम उठा के थोड़ी दूर चले तो हमने देखा उसका तार लगा हुआ है वहां पे बिजली का। हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये बिजली से चलता है? वापस रखा, हमने उसका तार निकाला, उसको उठा के थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर जाके हम थक गए। हमने अब क्या करें इसका, अब तो नहीं मन कर रहा, पर अब किसी को बताएंगे कैसे कि हाँ कैसे आया? हमने लेकिन हमने थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, थोड़ी देर और लेके चल रहे, नीचे तक लाने की हिम्मत नहीं, थोड़ी देर बाद हम थक गए। हमने कहा सुनो वैसा है, साइड में दिख रही है रेलिंग, हमने नीचे देखा, हमने कहा अगर हम इसे डायरेक्ट भेज दें तब तो बहुत ही नाम हो जाएगा, सीधा सेकंड ईयर में आ जाएंगे हम सुबह। हमने वो रेलिंग पर रखा, पलट दिया, उसका जो तार था वो रेलिंग में लच गया, अब वाटर कूलर झूल रहा है वहां पर। जिंदगी कैसा फुदूनाम हुआ हमारा, कोई चीज फेंक भी नहीं पाए। मैंने अब तुझसे क्या करना है, कह रहा भाई इसको खींच लेते हैं, उठा दो तू पाया नहीं था। उसका जो त्रिपिन प्लग है उसकी रेलिंग में अटका हुआ है। भाई अब तो निकलेगा तो है नहीं, कुछ करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं। कहता तो रुक मैं मैसेज चाकू लेके आता हूँ। मैं से इतना बड़ा चाकू ले, मैं कह सब छोड़ पहले मैस वाले के पास चल, मुझे उससे पूछना है इससे काटता क्या है वो, ये चिकन के नाम पे ऊंट खिला रहा क्या मैं? उससे रखा उसका प्लग काट रहे हम दोनों, वो कटा, जैसे ही वो प्लग कटा वाटर कूलर नीचे ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया, प्लग वहीं पड़ा। हमने जब तक वो देखा तब तक तो पहुंच चुका था नीचे। तो मैंने एक साल केमिस्ट्री पढ़ी थी जब मैं ड्यू में था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था फ्रिज में कोई गैस होती है। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ पूरा हॉस्टल जाग गया हमारा, सामने वाली बिल्डिंग से वार्डन उठ गया। हमने कहा बहन इतना नाम भी नहीं करना था, भाई सारे लड़के वहां चिल्लाना शुरू कर दिया, उसकी ब्लास्ट सुनते ही कॉरिडोर से आवाज आ रही है एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब, एक से आवाज आ रही बचाओ बचाओ। वहाँ वार्डन आ गया, सब लोग इकट्ठे हो गए, हम ऊपर से बैठ के देख रहे हैं रेलिंग, रेलिंग में से ग्रिल जगह होती है उसमें से देख के। वार्डन हमारा पता क्या था, तुम रात को 2 बजे बुला लो, मतलब बुला लो क्या, खुद ही आ जाता था वो, हम तो कभी नहीं बुलाते थे। 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो वो एकदम तैयार हो जाता था, वाइट शर्ट वाइट पैंट वाइट जूते। उसे देख के हमने कई बार पूछा तू ही तो नहीं अंकल जान, रात को तैयार कैसे, तैयार होकर सोता क्या तू, बेड पे पता क्या चलता है कि बेडशीट है कि तू है? वो आया आके खड़ा हो गया, उसने देखा वाटर कूलर को देखा। अब तो उसकी लाइफ के इतिहास में पहली बार हुआ था कि ऊपर से कोई नॉन लिविंग चीज आके गिरी हो। फर्स्ट ईयर के लड़के थे हमारे बैच के थे, उन्हें भी पता नहीं क्या माल मिला हुआ था। इतना एक लड़का निकल के आया कॉरिडोर से, यहाँ वाटर कूलर पड़ा, यहाँ वार्डन खड़ा, यहाँ से आया, इसके बगल में से निकला, उसे बोलता जा रहा कोई बात नहीं। वार्डन कह रहा इसका रूम चेक करना जरा क्या कर रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे लड़का। लड़के कुछ भी बकचोदी नहीं कर रहे हैं, ये कह रहा सर मैंने देखा खुद गिरा ये। सर ये रेलिंग तक आया, फिर इसने देखा नीचे कोई है तो
फिर ये कूद गया सर, परेशान होगा सर, आप जाओ सो जाओ, वार्डन खड़ा होकर बातें सुनने जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं एक में तो बता दे कि अंकल जॉन ने पहला सब वो प्यासा था एक तो हमारे बैच में तिवारी था, वो बना शेरलॉक होम्स हाँ, उसने एक तो फील में इतनी रहती बना लड़के वहाँ वकील बने नहीं है, अभी फर्स्ट सेमिस्टर चल रहा है, वार्डन से कह रहा माय लॉर्ड आधा माहौल तो वही खराब हो गया, कह रहा माय लॉर्ड ये देख रहा वाटर कूलर का तार उठा के, तो मुझे लगता है हॉस्टल में किसी को 3-pin प्लग की जरूरत थी तो उसने प्लग तो रख लिया, बचा कुछ फेंक दिया आई रेस्ट माई केस माई लॉर्ड वार्डन कह रहा हाँ वकील साहब बिल्कुल वाटर कूलर में बचा कुछ वाटर कूलर ही तो है सही कह रहे हैं आप नीचे की बात चल रही, मैंने अब्दुल को देखा तो पैर से उस प्लग को लेके जा रहा मैंने कहा तू क्या कर रहा है, कह रहा सबूत मिटा रहा हूँ भाई मैं क्या करेगा इसका, उसने प्लग उठाया उसको वापस लगा के आ गया चाकू हाथ में इसके ये सबूत मिटाया इसने नीचे चल फटाफट वहाँ पहुँचते हैं, हम नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो गया, नीचे उतरे वहाँ पहुँचे तो जना इतनी ओवर एक्टिंग करता है ये, रास्ते रास्ते में पता नहीं क्या हो गया उसको, हम वाटर कूलर के पास पहुँचे, वाटर के बाद जैसे उसने देखा ना वाटर कूलर में कह रहा हाँ मेरी हंसी छूट गई मेरे दिमाग में अभी अभी तो कराया हमने मैंने कहा बोलियो मत कुछ चुप रही वार्डन ऊपर पहुंचा साइड पे साइड पे जाऊं उसने वहां जाके देखा अब उस पूरे एरिया में सिर्फ प्लग लगा हुआ वार्डन ने कल तो तिवारी को बुला कर इधर कहता केस री ओपन कर दे तुम्हारा अगले दिन सुबह वार्डन में सो गए हम जाकर उसने कमेटी बनाई अपनी वो करी पूरी रिसर्च करी पता नहीं किस हराम को ने हमारा नाम बता दिया कि हमें ऊपर जाते देखा था वार्डन ने हमें बुलाया अपने रूम में मैंने अब्दुल से बोला था कि सुन मान मत जाइयो और कुछ बकचोदी मत करियो बिल्कुल ऐसे शरीफ बन के बैठना है कि हमसे अच्छा बच्चा ही नहीं इस कॉलेज में हम रूम में घुसे आंसू गिनने लगे इसके मैंने कहा अरे बात भी नहीं हुई अभी तो कुछ भाई साहब ऐसे भी नहीं आ रहे यहाँ से यहाँ गिर जा रहे इसके आंसू उसके सामने बैठे हम वार्डन बोला है तुमसे कि हाँ भाई तुम लोगों ने फेंका था वाटर कूलर मैंने नहीं सर कहता पक्की बात पक्की बात कहता क्यों फेंका था मैंने आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है ऐसा तो नहीं तो हम सुन रही है अभी अभी तो बोला अभी तो बात खत्म हुई थी कह रहा नहीं मुझे आप पे शक है मैं शक था फाका पहले मुझे ये बताओ कि तुम सुन पा रहे हो तो तुम बोल रहे हो तो हमने कुछ नहीं फेंका मैंने तो पानी छोड़ रखा है मैं तो नीट पीता हूँ मुझे तो मतलब नहीं है थोड़ी देर तक मुझे करते हो मुझसे कहता तुम्हें फेंका मुझे पता है मैंने कहा सर हम तो नहीं मानते देखो बाकी आपकी मर्जी है कहता तुम्हारे पास दो ऑप्शन है ऑप्शन सीनियर साइकिल नहीं ले पा रहे हैं वार्डन पनिशमेंट नहीं दे पा रहा कैसे चल रहा है कॉलेज क्या ऑप्शन है हमने पैरों पैर रख लिया मेरे को ऑप्शन बताओ क्या कहता या तो सस्पेंड हो जाओ या फिर फाइन भर दो हमने कहा अच्छा सस्पेंड क्यों होना है नाम क्या है यहीं रहेंगे मैंने अब तक फाइन नहीं किया हमने कहा फाइन वार्डन लगा दिया हम पे फाइन हमें लगा था 6,000 रुपये मांगे हम उनको फेंक के मार देंगे उसने प्रिंट प्रिंट आउट निकाले हमारे सामने रख के दो पेपर उसने हम पे फाइन लगाया 135,000 रुपये मैंने वो देखा मैं कि ये तो कुछ रैंक जैसा लग रहा है मेरे मैं कहा सर इतने पैसे क्यों मांग रहे हो पूरी बिल्डिंग हमसे ले लोगे क्या आप हमने एक फेंका है वो भी आप कह रहे हो हमने तो माना भी नहीं अभी तक
इतने पैसे थोड़ी मांगता कोई। उसने हमें दिखाया वाटर कूलर 1,35,000 रुपए का आता है। मैंने कहा सर देखो ऐसा आप लोग गलती है, अगर ऐसा है तो पहले तो ये चीज़ आप कॉलेज के ब्रोशर में डालो, सबको पता चलना चाहिए कि इतना महंगाई है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे इसमें से प्राइस टैग तोड़ने की? मुझे पता होता है इतना महंगा आता है, मैं रोज सुबह उठ के स्वस्तिक बनाता इस पे। अरे 25,000 रुपये मुझे तो, मैं घड़ा बन के बैठ जाऊँ वहाँ पे। हाँ यार मैं ऐसे करके आइसक्रीम निकाल दूँ यहाँ से, ये कोई बात है करने की? लेकिन सर इतने पैसे नहीं हमारे पास। कहता मैं तुम्हारे घर पे फोन करूंगा, मैं घर पे भी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा पापा रही से मैं नहीं हूँ? मैंने अब्दुल से पूछा मैंने कितने पैसे तेरे पे, कह रहा भाई होंगे 400-500 रुपये। मैं कहा तू FD करा ले जाके भाग ले, 400 रुपये फाइन बोला था तू। उसने कहा तुम्हारे पास परसों तक कटाई, मैं जो करना करो निकलो यहाँ से। मैंने कहा ठीक। हम गए हॉस्टल में जाकर हमने लड़कों को बताया कि हमें फंसा दिया गया है और अब पैसों का जुगाड़ करना है। पूरे रात हमने प्लानिंग करी कि कैसे कैसे पैसा आएगा, अलग अलग जुगाड़ करें हम। 25-30 रुपये इकट्ठे कर पाऊंगे उसकी भी चाय पी के, चाय पे तो डिस्कस कर रहे थे। सुबह उठे हॉस्टल में, गार्ड आया हमें बुलाया, हम वार्डन के रूम में गए। वार्डन ने हमसे कहा कि जिसने भी फेंका था उसका पता चल चुका है। मैं कहा अंकल जॉन पकड़ा के क्या? कहता नहीं आप लोग नहीं, आप जाओ यहाँ से। ठीक है। थोड़ी देर बाद हॉस्टल में एक सस्पेंशन लेटर आया और एक लौंडा सस्पेंड हो गया। क्या लेना एक न देने तो त्यागी सस्पेंड। त्यागी के हाथ में लेटर आया, मैं कल हॉस्टल में था। वो सस्पेंस इतना बड़ा हो गया, अंकल जॉन से बड़ा सस्पेंस हो गया कि ये कैसे सस्पेंड हो गया। त्यागी गया वार्डन के रूम में, ऐसे गेट खोल गया, ऐसे अंदर गुजर, बाहर आया ऐसे। बाहर आया हमने, क्या हुआ? कह रहा यार मैं चूते हूँ। वो तो तू है, हुआ क्या है? कहता यार मैं परसों नशे में गार्ड को बोल के आया था कि ठीक करा दो नहीं तो फेंक दूंगा। वाह त्यागी जी वाह, बहुत बढ़िया काम किया। हमारा नाम तो नहीं हो पर आपका कभी मिटेगा नहीं। जी जनाब मजा आ गया। मतलब मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है इनकी स्टैंड अप कॉमेडी की, वो ये लगती है कि लास्ट का जो इनका पॉइंट होता है ना, जो क्लाइमेक्स होता है ना, वो लास्ट में होता है। अच्छा मैं निराश हो चुकी थी, फाइन लग चुका है, अब 1,35,000 इनको भरने ही भरने, मतलब ये एंड था। हाँ, एंड में ये एंड ही लग रहा था, ये एंड लग रहा था मुझे कि अब कुछ ना कुछ करके भरने, नहीं तो सस्पेंड हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था आखिर में क्लाइमेक्स होगा। अच्छा इससे पहले वाली मिट जो हमने देखी थी जिसमें वो वाइपर लेकर आते हैं उनके फादर, बाप से बच गया। हाँ, बच गया। उसमें भी हमें ऐसा लगा था कि बस वही अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ गए, लेकिन वो फिर वो पता चलता है वो मार्केट गए थे वाइपर लेने। तो ये चीज मुझे बहुत यूनिक लगी इनके स्टैंड। अच्छा इनकी इनकी कॉमेडी में ना प्रॉपर एक स्टोरी है, कंप्लीट स्टोरी स्टोरी होती है, तो ये इस वजह से मेरे ख्याल में शायद लोगों को पसंद आती है। और एक और चीज मैंने आज के दौर में देखी है, हमारे कोई ऐसे लोग भी देख रहे हों या कोई ऐसे लोग सुन रहे हों, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना स्लो टेम्पो की थी, वो दौर अब नहीं रहा। यानी कि इनका टेम्पो आपने देखा बोलने का, मतलब जल्दी जल्द। अच्छा, लेकिन पता है एंजॉय करते हैं, जहाँ हंसना होता है वहाँ कितना तवक्कुफ के साथ रुक जाते हैं वो। अच्छा ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इसको कहते हैं कॉमेडी में टाइमिंग। अगर आपने कॉमेडी में टाइमिंग सही दे दी ना, वो खराब, आपने कब हंस कब किस तरह रुकना है, रिस्पांस लेना है, रिस्पांस देना है, एंजॉय करने का मौका देना है ऑडियंस को, कॉमेडी किसी को कहते हैं। अच्छा इसको कहते हैं कि अपने ही कंटेंट को किसे अंडरस्टैंड होना, आप अपने कंटेंट को एंजॉय करके एक फील के साथ लोगों तक डिलीवर कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ऐसा भी होता है कि कोई जोक हमने एक दफा सुन लिया तो जब हम किसी और को सुना रहे होते हैं तो वो बात नहीं आ रही होती है, मतलब हम एंजॉय कर चुके होते हैं, हम हंस चुके हैं। तो मैं अभी यही सोच रही थी एग्जैक्टली कि जब ये बनाते होंगे तो जब ये प्रेजेंट करते होंगे तो उस वक्त ये वही एक्सप्रेशन वही एंजॉयमेंट कैसे दिखा पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये तो इनको पहले से पता होगा, पता होता है, ये अपना इंसिडेंट बता रहे हैं या लिख रहे हैं या लिख रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उस वक्त इतना एंजॉय करके कैसे बता पाते हैं। अच्छा अच्छा जोश के साथ। अच्छा ये भी एक कुदरती टैलेंट है, जिनको जिनके अंदर एक होता है ना, उसके बाद ये उसके बाद इनको अगर कोई मौका मिलता है या इनको इन्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से हंसा सकता हूँ, तो फिर ये किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके पता चलता है कि हमारे अंदर तो ये टैलेंट है। अच्छा कईयों के अंदर ये गली मोहल्ले में टैलेंट होता है,
लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इस टैलेंट को ये कहते हैं और इससे मैं ये कर सकता हूँ। अक्सर अपने खानदान में देखा होगा ना, कई लोग मस्खरा टाइप का इंसान छिछोरापन करते हैं, नकलें नहीं छिछोरापन, जैसे तंग करना, छेड़ना, एक किसी की नकल उतार के दिखाना, कोई कॉमेडी टाइप का, ठीक है ना, funny। तो बहुत से लोगों में ये चीज़ होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसको कहते क्या है और ये मुझे कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए। यकीन करें, बस कई लोगों को अपने टैलेंट का पता ही नहीं होता। अच्छा, सबसे खास वाला जो लास्ट वाला सबसे खास वाला जी, अचानक वो तो खास था ही, इसके अलावा कुछ बता दें, वो तो उसको तो छोड़ ही देना, जॉन अंकल वाला। जॉन अंकल और वो बेडशीट में इसको कैसे पहचानते होंगे, व्हाइट ड्रेस व्हाइट पैंट, ये बहुत कमाल का था। अच्छा, जब वो 3 प्लग को पाँव से छुपा रहा है, कह रहे सबूत मिटा रहा हूँ, सबूत मिटा रहा हूँ, हाथ में छुरा वो नहीं मिटा रहा हूँ, और एक वो भी बहुत अच्छा था, मैंने तो पानी पीना ही छोड़ा होगा। मैंने तो पानी समझ रहे हो लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, इनके मेरे ख्याल में जितनी भी वीडियोज हैं सारी वायरल, सारी की सारी वायरल है। और हमारे यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी का इतना रुझान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है उतना कुछ भी नहीं है। नहीं, ये वैसे स्टेज ड्रामे होते हैं, कॉमेडी चल रही है, नहीं जैसे कॉमेडी चल रही है, करेक्टर चल रहा है, बाप है, माँ है, रोना धोना चल रहा है, कॉमेडी चल रही है, स्टेज ड्रामा उमर शरीफ वाला जैसे होता था, वो तो ड्रामा है ना, टीवी ड्रामा, मैं स्टेज ड्रामे की बात करूँ, और इस तरीके की स्टेज कॉमेडी नहीं है, इस तरह की कॉमेडी नहीं है। हमारे कॉमेडियन गए थे इंडिया, वो करके आए थे और थोड़ा बहुत मतलब एक उनको वहाँ इज्जत मिली थी, फिर यहाँ आके फिर वो चीज़ नहीं हो सकी अभी तक पाकिस्तान में ना। कपिल शर्मा के शो को जिसने डिज़ाइन किया था ना, वो पाकिस्तान का एक बंदा है, नसीम विक्की, वो कहते हैं कि हमने कपिल शर्मा इस तरह करना चाहते थे, मुझसे डिस्कस हुई थी, लाहौर का कॉमेडियन है नसीम विक्की, तो कपिल शर्मा के शो में था भी सैयद एक्टर, नुकर बना हुआ था, तो उन्होंने वो बता रहे थे कि आपने जब उनको सारी आइडिया दिए, और अच्छा किसी ने कहा ना कि कपिल शर्मा तो दूसरा कॉमेडियन कह रहा था, नसीम विक्की इंडिया होके आया, शकील सिद्दीकी होके आया, ठीक है, नसीम विक्की से कहा जा रहा था कि आपने पाकिस्तान में क्यों नहीं किया, मैं भी ये सोच, तो ये सवाल जवाब हो रहे थे, तो शकील सिद्दीकी कह रहा था कपिल शर्मा को क्या आता है यार, कपिल शर्मा बस अपना मुँह है उसका, बाकी उनकी सारी प्लानिंग होती है, कपिल शर्मा कॉमेडियन है, उनका शो आता है, आपने देखा है, दुनिया जानती है, पूरी दुनिया, तो जब से मैं आपको, तो शकील सिद्दीकी ने कहा उनके उनका अपना क्या टैलेंट है, उसकी पर्सनैलिटी है बस, उसका फेस है, बाकी सब स्क्रिप्टेड होता है, प्लानिंग होती है, प्रैक्टिस होती है। तो नसीम विक्की ने कहा नहीं यार, ऐसी कोई भी बात नहीं है, उसकी टाइमिंग है, उसे पता है कब क्या बोलना है, उसे पता है कॉमेडी की, उसको सेंस है। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, ये तो फिर नसीम विक्की का वो वाला बता देता हूँ, फिर ये बात खत्म हो जाएगी। नसीम विक्की ने यहाँ पर पाकिस्तान में क्यों नहीं किया ये प्रोग्राम, जब आपने कपिल शर्मा को आइडिया दिया तो उसने क्या जवाब दिया, क्या कोई करवाए तो करें ना, यहाँ पे किसी को हमारे टैलेंट का भरोसा ही नहीं है, या यहाँ पर हमारे ऊपर कोई भरोसा भी नहीं करता, या हम पे कोई इन्वेस्ट करे, कोई हमसे करवाए तो मैं करूँ ना काम, मैं खुद थोड़ी उठ के मतलब शुरू हो जाऊँ, मतलब सोचा जाए तो अपने आप में बहुत मतलब बड़ी बात कह रहे हैं, हमसे कोई करवाएगा तो हम करेंगे ना, हम खुद ही हम कैसे करें, कोई ऑफर करे, कोई इन्वेस्टमेंट करे, सामने से कोई चाहे कि पाकिस्तान से भी हो तो बिल्कुल। और जब ये बात भी अच्छी लगी नसीम विक्की की कि जब वो कपिल शर्मा की कोई बुराई कर रहा था उसने फौरन काटा, नहीं भाई। और एक और बात ये है, मैंने इनको देखा था कपिल शर्मा को कॉमेडी सर्कस और ये लाफ्टर चैंपियन ये सब बहुत आता था ना पहले, अब थोड़ा रुझान इनका कम हो गया, तो हम पहले इंडियन चैनल्स आ रहे होते थे, तो हमारे यहाँ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब चलता रहता था, बच्चे बूढ़े सब बहुत शौक से देखते हैं, लाफ्टर चैम्पियन हो गया, कॉमेडी सर्कस हो गया, तो मैंने जब स्टार्टिंग में कपिल शर्मा को देखा था तो यकीन करें ये बहुत हेल्दी से थे और पुलिस का एक कैरेक्टर करते रहते थे, और बाद में जाके इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को बनाया है, अपने आप को ग्रूम अप किया। लेकिन मैं देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी पर्सनालिटी की वजह से वो है, तो मैं ये कहूँगी पहले तो वो नहीं था, इतनी पर्सनालिटी नहीं, आप अभी भी समझी नहीं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ उनका नाम है तो वो शो है बस, उनके नाम कैसे बने, आप इस पे आए ना पहले, नाम अगर किसी का शुरुआत से आए ना, इंसान का टैलेंट था तो टैलेंट था तो नाम बना, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये है कि अच्छा, शकील सिद्दीकी को भी इंडिया में बड़ी इज्जत मिली, बहुत इन्होंने प्रोग्राम किए अलग से भी इनके प्रोग्राम, वैसे हमारे जो कॉमेडियंस के वहाँ इंडिया में प्रोग्राम होते थे ना इस तरह के स्टेज के, शकील सिद्दीकी पर तो अलग से प्रोग्राम हुए, मतलब पूरा वन मैन शो सर्कल, कॉमेडी सर्कल के नाम से, कॉमेडी सर्कस के नाम से एक वो होता था। अच्छा, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की कॉमेडी में फ़र्क बताया कि यहाँ की कॉमेडी जो स्टेज पर होती है और वहाँ जो शोज़ होते हैं टीवी के, फ़र्क ये कि वहाँ पर बहुत प्री प्लानिंग प्रैक्टिस बहुत होती है, यानी कि शो होने से पहले
एक एक चीज़ फिक्स हो चुकी होती है, एक एक चीज़ प्रैक्टिस हो चुकी होती है, कई कई मरतबा पक चुका होता है वो, फिर वो पका हुआ लोगों के आगे रिकॉर्ड होता है, तो कमाल की चीज़। अच्छा आप एक बात बताएं, एक इंसान जो बार बार कर चुका है तो उसके तो शऊर तक में बैठ गया, लाशऊरी तौर पे वो गलत करेगा, उसको बेहतर कर चुका होता है, बहुत बेहतर। वो एक पता मैंने टाइमिंग तय हो चुकी होती है, बोलते नहीं रट्टा वाले हम, हम जब एक पैराग्राफ से पढ़ लेते हैं और बोलते हैं हम लिख लेंगे तो हम अटक भी सकते हैं, लेकिन एक पैराग्राफ को हमने 10 बार पढ़ लिया तो आपको पता है जब हम फुल वर्ड मिस करते हैं ना, तो आप जब लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका माइंड आपको वो बताता है कि यहाँ पे ये था। आप एक चीज लाशौरी तौर पे आप लिखने जा रहे हैं, उसकी वजह बताता हूँ कि आप एक चीज जब सुनते हो या देखते हो या पढ़ते हो या देख के लिखते हो में प्रैक्टिस करते हो, तो आपको दो दो तीन तीन जगह आपके दिमाग में छपती है। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं ना कि देखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है, सुनी हुई चीज इतनी याद नहीं रहती। तो वो जो देखना आप कह रही हो ना लिखना, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड का एक गेम है कि हमारे माइंड में देखी हुई चीज छपती है, हमें वर्डिंग या आपने देखा है हम किसी चीज पे ऐसे लिखते हैं तो उसकी उसके बॉक्सेस करते हैं, उसको अलग अलग पैराग्राफ में हेडिंग डालते हैं। वो हेडिंग क्या है, आपको क्या लगता है वो हेडिंग? वो हेडिंग को हम कलरफुल भी करते हैं, कभी सोचा है हाईलाइट करने के लिए? कभी सोचा है? एक छवि बनती है, एक इमेज बनती है एक पैराग्राफ की, चंकिंग होती है वो हमारे पैराग्राफ में, चीज़ों को टुकड़ों में ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रखते हैं। मसला बहुत होता था, मैं चीज़ें भूल जाया करती थी, मैं शोर शराबे वाली जगह पे जाके उसको बार बार रिपीट करूँ, बार बार रिपीट करूँ, बार बार रिपीट करूँ। आप यकीन करें एग्जाम्स के दौरान मुझे वर्ड टू वर्ड वो याद आता था, याद आ जाता। मुझे मतलब ज़रा सी भी परेशानी नहीं होती थी। तो वो जो है ना एक प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, बिल्कुल ये 100% मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल सही। तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है, सब कहते हैं कि मैं उस्ताद हूँ, मुझे आता है, मुझे सब आता है। वो कह रहे थे इंडियन प्रोग्राम अगर बड़े फेमस हैं या कपिल शर्मा का शो बड़ा अच्छा है तो उसकी बेसिक वजह उनकी प्रैक्टिस है। अच्छा प्रैक्टिस। वो एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें नसीम विकी साहब से पूछा गया, नसीम विकी पाकिस्तान का बहुत अच्छा कॉमेडियन है, इंडिया भी गया है, और कपिल शर्मा से इसकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो कपिल शर्मा के हवाले से एक तो इससे ये सवाल किया गया कि आपने यहाँ पाकिस्तान में कपिल शर्मा जैसा शो क्यों नहीं किया, क्योंकि सुना हमने ये जाता है न्यूज़ में भी आया था कि कपिल शर्मा का सारा शो इसने डिज़ाइन किया था, डिस्कस इनकी हुई थी, कपिल शर्मा के शो में इसने एक्टिंग भी की है, शकील सिद्दीकी भी शो में बैठे हुए थे और नसीम विकी भी। तो नसीम विक्की से पूछा गया तो आपने इस तरह का शो पाकिस्तान में क्यों नहीं किया, तो उसने कहा मुझसे कोई करवाए तो मैं करूँ, मुझसे कोई इन्वेस्ट करेगा तो मैं करूँगा ना, मैं खुद से बात है ना, पाकिस्तान से लोग बढ़ेंगे आगे, कोई बोलेगा कि कोई इन्वेस्टर आएगा, हाँ। कुछ आएगा कि हमारा मुल्क भी आगे बढ़े, हमारे यहाँ अभी जो कॉमेडियंस है वो आगे बढ़े, कोई ऑफर करेगा तो लोग करेंगे। और एक सवाल किया गया कि हमारे यहाँ की कॉमेडी और उनकी कॉमेडी में क्या फ़र्क है, वो इतने बेहतर क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि उनकी उसके बैक पे उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, उनका सीआर बहुत ज़्यादा है, यानी शूट से पहले काम होने से पहले उनकी उनकी रिहर्सल बहुत करते हैं, बहुत परफेक्ट कर देते हैं एक चीज़ को। शकील सिद्दीकी ने कहा कि हाँ भाई वो तो सारा स्क्रिप्टेड करते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट भी करते हैं, हम लोग तो रियल टैलेंटेड हैं, कपिल शर्मा लोग जो हैं वो तो सारा एक एक नुक्ता उनका लिखा हुआ है। कपिल शर्मा की तो सिर्फ पर्सनैलिटी है, सिर्फ लुक है, उसका फेस बिक रहा है, बाकी वो इतना टैलेंटेड थोड़ी, वो तो प्रैक्टिस पे करते हैं। तो नसीम विकी ने फ़ौरन उन्हें रोका, उन्होंने कहा नहीं, कपिल शर्मा की जो टाइमिंग है वो कमाल की है, उसे पता है कब रुकना है। जैसे आप अभी इस पे कह रही थी ना कि ये अपनी ऑडियंस के लिए रुक रहे हैं और अपनी बात पे कब हंस रहे हैं, कब वो तो वो बोला कपिल शर्मा के पास टाइमिंग बहुत अच्छी है। मुझे बहुत याद आता है, बहुत पीछे चले जाएं कॉमेडी सर्कस और लाफ्टर चैनल में पहले आया करते थे, तो ऐसी बातें इंडियन जो ड्रामास हैं जो उनके टीवी चैनल्स हैं वो चलते थे, तो पूरा पूरा दिन ये चल रहे होते थे, तो राजू श्रीवास्तव होते थे ठीक है, और कपिल शर्मा भी होते थे, इसके अलावा शकील सिद्दीकी हुआ करते थे, एक और हैं जो थोड़े से बिल्कुल गंजे से वली शेख शायद, तो वो भी हुआ करते, तो ये सारे हुआ करते थे, तो मैं इनको देखती थी, थोड़े से गंजे नहीं पूरे गंजे मतलब मैंने इज्जत रखी थी, थोड़ा बोल के वो मुझे देखे ना कर दो। अच्छा खैर आप तो ना मैं कॉमेडी कर लेता हूँ वली शेख वाली। अच्छा खैर तो फिर ना मैंने तब इनको देखा था फर्स्ट टाइम, तो थोड़े हेल्दी से बल्कि से कपिल शर्मा हेल्दी से बल्कि से, और पुलिस का कैरेक्टर करते रहते थे, हाथी और चीटी अच्छा। बहुत बहुत शुरू की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब कपिल शर्मा शो वगैरह नहीं था, उसके बाद ये वहाँ से सेलेक्ट होकर बने, फिर आगे इन्होंने अपना शो किया। तो आप अगर कोई इंसान लुक्स पे आता है, अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो तब तो इनके कोई लुक्स नहीं थे, बहुत हेल्दी से थे, तो उन्होंने बाद में जाके अपने आप को ग्रूम अप किया, पहले तो ये टैलेंट ही है ना, तो आप अगर शुरुआत से पकड़े नाम तो बाद में बना
एक पंजाब शर्मा बाद में बना ना, पंजाबी शो ये करते थे, वो भी मतलब बिल्कुल नॉर्मल लुक होता था इनका, उसमें भी मतलब एक ऐसे आम से लुक में होते थे, लेकिन इंसान ग्रूम होता है या फेस अच्छा होता है, वो वैसे फेस की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे थे कि ये नाम हो गया इनका, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनका नाम है वही काफी है, तो वही काफी है, और कपिल नाम बनाया है ना, नाम बनाया है ना, टैलेंट था, लेकिन नसीम विक्की साहब को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने फौरन ही उन्हें काटा, कह रहे कि नहीं यार उनके अंदर टैलेंट है, ऐसी ऐसी बात है। हमने हमने कई जगह पढ़ा है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, हमारे यहाँ ये ज्यादा है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगा या मैं, मुझे तो आता है, ज्यादा जरूरत नहीं। हाँ, 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं वैसे ही बहुत मंची हुई हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, तो ये चीज़ गलत है। अच्छा, बचपन में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कुछ भी पैराग्राफ कोई तशरी याद करूँ कुछ याद करूँ ना, तो मैं अक्सर वर्ड टू वर्ड नहीं लिख पाती थी, भूल जाती थी। सही, ठीक है, जैसे एक दफ़ा हम अगर किसी चीज़ को पढ़ लें, कोई एक पैरा है उसको मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैं सोचूंगी मैं लिख लूंगी, मैं लिख तो लूंगी लेकिन मैं अटक जाऊंगी जगह जगह, बहुत सारे पॉइंट्स मैं भूल भी जाऊंगी, तो मैं बहुत शोर वाली जगहों पर जा जाके ना उस तशरी को पढ़ा करती थी। शोर वाली जगह पर आपको सुनाई देती थी? नहीं, अपने माइंड के अंदर रिकॉल किया करती थी, बहुत बार रिकॉल करती थी कि मतलब क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस होती है और जिसकी वजह से अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि हम भूल गए, तो मेरे साथ भी ये मसला होता था, कोई शोर कर रहा है शराबा कर रहा है तो मैं भूल जाया करती थी, पूरा पूरा पैराग्राफ छोड़ देती थी, तो मैं बहुत शोर वाली, कहीं मोटर चल रही है, कहीं पे टीवी चल रहा है, उसके सामने खड़े होकर तश्री को रिपीट करी, अगर मैंने 10 times उस तश्री को रिपीट कर लिया तो मेरे सामने अगर तूफान भी आ रहा है तो मैं वो लिख सकती हूँ। क्या बात, मतलब आपका माइंड खुद ब खुद, आप जैसे बता रहे थे कि आपका माइंड खुद ब खुद आपको बता रहा होता है वर्ड टू वर्ड, अगर आप कुछ भूल गए ना तो ऑटोमेटिकली आप कर रहे होते हो। कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे जिससे आप अपने दिमाग को तेज़ कर सकते हैं, चीज़ों चीज़ों को याद करना, चीज़ों के पैकेजेस बनाना होते हैं, अक्सर आपने देखा ना कैसे कोई ऐसे हैं पैराग्राफ हैं तो उसके पैराग्राफ हम इसलिए बनाते हैं कि हमें याद रहे, हेडिंग्स हेडिंग्स होती हैं, तो हेडिंग्स को हम डार्क कर रहे होते हैं, सबसे पहले एक हेडिंग होती है कराची, कराची के अंदर कितने इलाके हैं, कितने ज़िले हों, हर ज़िले का नाम, तो उसको हम डार्क कर रहे होते हैं, हाई आपने देखा हाईलाइटर होता है, वो हाईलाइटर हमारे माइंड में भी हाईलाइटर होती है, वो चीज़ फिर इस वजह से ये चीज़ें याद रहती हैं, थोड़ी सी तरीक़ेकार है, लेकिन ये कि नसीम विक्की साहब का ओवरऑल मकसद ये था कि इंडिया में टाइम को काम को परफेक्ट तरीके से किया जाता है। अच्छा, ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी में मैं अपने अपने वसूख के साथ बहुत अच्छे तरीके से बोल सकती हूँ, मैंने बहुत देखा कि स्टैंड अप कॉमेडी ऐसी वाली तो अभी हमारे यहाँ भी कोई इतना रुझान इतना खास खास नहीं, बल्कि तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बाकी ये है कि मैंने तो कहा था कि पानी डाल दो वरना इसको फेंक दो, फेंक दूंगा दोबारा कैसे, अरे अच्छा वो भी जबरदस्त था, सही कर दो वरना मैं फेंक दूंगा, वरना फेंक दूंगा, और मैं कराची से हूँ, हाँ, चंद सेकंड बाद आया आपको, हाँ, पहले तो आपको थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी, वो मैं कराची से नहीं थे बेसिकली, बाकी ये है कि असल चीज थी वाइपर तो दोस्तों दोबारा किसी दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।